कि ये जो सरकार का कदम रहा, इससे देश की जनता को बहुत व्यावहारिक दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है और कई बातों की तरफ मैंने इशारा भी किया था। अब स्थिति ये है कि गांव में ये जो टूथपेस्ट, मंजन, हेयर ऑयल, ये पिछले जब से ये शुरू हुआ तब से लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, खरीदने की स्थिति में नहीं। और जो लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीजेपी वाले, इन्हें चार महीने बाद मालूम पड़ेगा कि इनकी सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, इनके बाबा रामदेव का भी नहीं बिकेगा ये मंजन अंजन, ये बिकेगा नहीं, कोई लेने वाला नहीं। अरे गांव का आदमी है, जब नहीं पैसा है तो अपना दातून से करने लगेगा दांत साफ, वो ये पेस्ट वेस्ट नहीं लेगा। ये संकट पैदा हो रहा है पूरा, आप लोग समझ नहीं रहे। और शादियों की चर्चा की थी आनंद शर्मा ने, ये सबसे बड़ा सीजन है इस वक्त शादियों का, सहलग चल रहा है रोजाना, रोजाना सहलग चल रहा है, लोग रो रहे हैं। जिनकी बेटियों की शादी है उसके इंतजाम के लिए, टेंट के लिए और साफ सामान के लिए उनके पास कोई करेंसी नहीं, या तो शादी टूटे या बढ़ाएं या फिर ऐसे ही जो लोगों में उत्साह होता है, सबके उत्साह होता है, जिसकी जो हैसियत होती है उसके हिसाब से आपका एक एमपी 500 करोड़ खर्च कर रहा है, उससे कोई भी नहीं पूछ रहा है कि स्रोत क्या है, उसका स्रोत क्या है, आय का स्रोत उनसे कोई पूछने वाला नहीं। और अगर हमारे जैसे लोग 5000 रुपया खर्च करते हैं तो कहें कहाँ से आए थे। अब मंत्री जा रहे होंगे सब टेलीविजन पे आएंगे, कोई जाएंगे ही नहीं डर के मारे, हम रोक दिए गए, वो रोक दिए गए सब, तो वो शादियां टूट रही हैं और दिक्कत हो रही है। मैं ही कह रहा था कि सबके, चाहे पैसे वाला आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, लेकिन जब वो अपनी बेटी की शादी करता है तो वो उसके मन में एक इच्छा होती है कि वो धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करे। लेकिन एक ऐसा स्थिति पैदा हो गई है, विषम स्थिति पैदा हो गई है पेरेंट्स के सामने कि वे या तो शादी को टालें आगे या तोड़ें, और तोड़ने की स्थिति में ये होता है कि कहीं कहीं तो गार्जियंस, लड़की के माँ बाप आत्महत्या करने तक पर उतर जाते हैं अगर लड़का वाला मना कर दे कि हम शादी नहीं करें। ये स्थिति है पूरी, पूरे देश में स्थिति हो गई है। ये जो ट्रक्स वगैरह जाते हैं, जो सामान लेके इधर से उधर जाते हैं, अगर कानपुर से गुवाहाटी जा रहा है तो डीजल के अलावा उसे कम से कम 25,000 रुपया चाहिए होते हैं जो खर्च के लिए रास्ते में पड़ते हैं, कहीं पुलिस ले लेती है, कहीं उसे खाने की जरूरत है और है, सारा बंद हो गया है क्योंकि करेंसी नहीं, करेंसी नहीं। अभी आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स, अभी आप चेक दीजिए आपकी स्टेट बैंक में 500 का नोट नया नहीं आया है, 2000 का तो आ गया है, 500 का नोट इस वक्त तक स्टेट बैंक में नहीं आया, जिससे पार्लियामेंट के मेंबर अपनी वेतन से, वेतन जो जमा होता है उससे चेक से पैसा ले रहे हैं, वो अभी तक नहीं हो पाए। यू कैन गेट 100 रुपी नोट विल बी अवेलेबल आई थिंक, 100 रुपी 500। सौ तो है पहले से ही, अभी मालूम है 2000 के दिए सर अभी। एक से कंक्लूड करो, अभी कर रहा हूँ, पांच सौ का नोट आए नहीं अभी सर, ज्यादातर एमपीज ऊपर लाइन में लगे हैं बैंक में। अच्छा, दूसरे किसानों को, किसानों का इतना बड़ा नुकसान हो गया है माननीय मंत्री जी,
आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस धान का रखा हुआ है 1500 रुपया, आपको मालूम है कि क्या भाव बिक रहा है? वैसे तो पहले तो बिक नहीं रहा है, जो बिक रहा है वो 1000 रुपया। एक क्विंटल पर धान पर 500 रुपया किसान का नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट्स लोग, अर्थशास्त्री लोग अंदाज लगाएं कि प्रतिदिन किसान का कितना नुकसान हो रहा है, कितना लूटा जा रहा है किसान। ये स्थिति है। आप ब्लैक मनी को रोकने की बात कर रहे हैं, व्हाइट मनी आदमी का है, वो लुट रहा है, उसको बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। मरीज, आप सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, मरीज को मजबूरन आदमी प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाता है, प्राइवेट अस्पतालों में ले जाता है। प्राइवेट अस्पतालों में पुराना नोट देने की छूट होनी चाहिए एक निश्चित अवधि तक, ताकि लोग इलाज करा सकें। ये मेरी आपसे राय है, वरना लोग वहाँ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, और अगर किसी कोई मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं कि पैसा लाइए। ये स्थिति है। मंत्री जी हैं नहीं, या वित्त मंत्री जी, मैंने सुझाव में कुछ देने थे उनके पास। मेघवाल साहब तो क्या करें, कल परसों आगरा गए थे इनका बयान। मेरा एक सुझाव ये है कि माननीय मंत्री जी, कि जो आपने काला धन घोषित करने की योजना शुरू की थी, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। आप इस काला धन योजना को फिर से शुरू कर दीजिए, तो इस वक्त ऐसा माहौल है जिसमें आपको बहुत पैसा मिल सकता है, सब आ जाएंगे, इसलिए ये कर दीजिएगा। ये बजाय झंझट के लोग लाइन में लगे, आप ये कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि अगर कोई 1 करोड़ रुपया जमा करे तो 90 लाख आप ले ले, उसे 10 ही लाख मिले। 200% जुर्माना, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि 200% जुर्माना और 30% टैक्स और 200% जुर्माना, और ये आप लेने ही नहीं चाहते कुछ। पैसा तो देश में ही रहेगा। और दूसरे, एक मेरी अनुरोध आपसे ये है कि जो रबी की बुवाई हो रही है, तब तक किसानों को पुराने नोटों से खाद बीज खरीदने की छूट मिलनी चाहिए। एक देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, एक हमारे मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश जी ने एक चिट्ठी लिखी माननीय प्रधानमंत्री को। एक उसमें बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव दिया था कि चूंकि बैंकें वगैरह गांव में कम हैं, एक मोबाइल बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके जरिए पुरानी करेंसी लोग उस बैंक से बदल सकें, नई करेंसी ले सकें, ये व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे जो इन्होंने कहा था, आनंद शर्मा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में, अरे पगले, जो कहीं कहा कि उन्हें मारा जा सकता है, हत्या हो सकती है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री जैसे स्तर का आदमी अगर कहे तो ये चिंता की बात है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर सकते हैं, या केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बात कही जा रही है? जाँच इसकी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, कौन लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। एक बात मैं अलग से इस बात सबसे हटके करना चाहता हूं, आखिरी बात कहने से पहले एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि पूरे देश में ये जो व्हाट्सएप और अन्य चीजें हैं, इनका इतना दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही हैं व्हाट्सएप पे, तमाम तरह के भेजकर, ये बहुत ही निंदनीय काम है। इसको इस तरह की गाली दी जा रही है कि लोग सुन नहीं सकते हैं, इसको रोकना ही नहीं चाहिए। आपकी साइबर सेल इतनी मजबूत होनी चाहिए
कि वो पता करे कि ये जनरेट कहां से हुआ, ये कौन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऐसा आदमी बचना नहीं चाहिए, पक्ष या विपक्ष दोनों के नेताओं के बारे में इस तरह के, और इस वक्त प्रधानमंत्री के तौर लिए खास तौर से जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो गालियां दी जा रही हैं, वे असहनीय हैं। हम विपक्ष के हैं लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग हो, इस पर आपका जो साइबर सेल है, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, इसको पता करें कौन लोग हैं, और कोई उसमें बचना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी इनके ऊपर आ जाता है, कभी इनके बना दिया जाता है कार्टून, कभी इतना गंदा है, लेकिन इस तरह का मैंने कभी नहीं देखा जो अब जिस तरह की डेलिबरेटली कहीं न कहीं से ये योजना है जो प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जो ये लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया है कि ये जो करेंसी बंद की है, इससे पहले ही ये लीक हो गया था और लोगों ने ट्वीट कर दिया था, कहीं पंजाब में आपके किसी पदाधिकारी ने, कहते हैं कि कलकत्ता में भी पैसा जमा हो गया था, इससे पहले आपकी पार्टी के लोगों ने कर दिया था। अगर संदेह पैदा हो जाता है और राजा पर संदेह पैदा हो जाए, तो संदेह का निराकरण जरूर होना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। यू शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट बट यू शुड अपीयर टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें जांच, संसद की जांच या किस तरह की हो, संसद की ज्वाइंट कमेटी हो, कोई न कोई इस मामले में जांच की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि क्या ये लीक हुआ, क्या कुछ लोगों ने अपने पैसे को ठीक तरीके से इधर उधर कर दिया। ये है संदेह, पूरे देश में चर्चा है, और लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोगों के माथे पर कोई सिकंद नहीं है, बहुत प्रसन्न हैं इसलिए कि सब पैसा बदल दिया गया है। ये संदेह है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इवन सीजर्स वाइफ शुड बी अबव बोर्ड। जो इतराज कर रहे हैं वो बदल नहीं पाए इसलिए है? नहीं इसलिए नहीं, ताकि आपके खजाने में और पैसा आ सके, ताकि आपके खजाने में पैसा और आ सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ, मानवर आपने बहुत टाइम दिया, बहुत धन्यवाद देता हूं आप।